रावन रोड जिया बगा के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर। हादसे में दो अफराद जामहक और तीन जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमों ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के हवाले से जरूरी हिदायत जारी कर दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वेबसाइट पर उर्दू और इंग्लिश में तफसीलात फराहम कर दी। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और NA 124 में PTI उम्मीदवार गुलाम महीउद्दीन दीवान से साबिक MPA शहजाद इलाही की वक्त के साथ मुलाकात। ज़मीनी इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट का ऐलान कर दिया। UC 26 से नून लीग के लेडी काउंसलर ईशा ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली।